फिल्मों में देखा है या कई धारावाहिकों में कि नवजात बच्चे को बेच दिया जाता है, लेकिन आज उत्तर प्रदेश के आगरा से एक ऐसी ही खबर सामने आई है। नमस्कार, मैं हिना श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं प्रगति मीडिया। उत्तर प्रदेश के आगरा से इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली एक घटना सामने आई है। एक निजी अस्पताल में बच्चा होने के बाद बिल के 30,000 रुपए न होने पर डॉक्टर ने बच्चे की मां से जबरदस्ती बच्चे को छीन लिया, एक कागज पर जबरदस्ती अंगूठा लगवा लिया। इस बीच महिला गिड़गिड़ाती रह गई, पति भी कुछ ना कर सका। आइए जानते हैं यह खबर क्या है। आगरा में शंभू नगर निवासी शिव नारायण एक रिक्शा चालक है। उसने बताया कि 4 महीने पहले कर्ज में उसका घर चला गया। 24 अगस्त को उसकी पत्नी बबीता को परसों पीड़ा हुई, मतलब कि बच्चे होने का एहसास हुआ। शंभू नगर के पास ही जेपी अस्पताल में अपनी पत्नी को उसने भर्ती करा दिया। बबीता ने बेटे को जन्म दिया। जब डिस्चार्ज करने की बारी आई तो अस्पताल ने 30,000 रुपए का बिल थमा दिया। शिव नारायण ने चिकित्सक के हाथ पांव जोड़े, 500 रुपए होने की बात कही। चिकित्सक को उनकी हालत पर जरा भी दया नहीं आई, ना ही उनसे कोई समय दिया गया। काफी रहस्य के बाद उसने बच्चे को छोड़ने की बात कही। इस पर बबीता रोने लगी। शिव नारायण ने बताया कि काफी मिन्नतें की पर चिकित्सक पर कोई भी असर नहीं पड़ा। उन्होंने एक ना सुनी। नवजात को उसकी माँ से नहीं मिलने दिया गया। कहा गया कि पैसे नहीं है तो बच्चे को छोड़ना ही पड़ेगा। महिला का आरोप है कि जबरन कुछ पैसे पकड़ा कर एक कागज पर अंगूठा के निशान लगवाया और अस्पताल से भगा दिया गया। दंपति अपनी पीड़ा को लेकर समाज सेवी नरेश पारस से मिले। महिला का यह भी आरोप है कि डॉक्टर ने बच्चे को अपने रिश्तेदारों को बेच दिया है। मामले की जानकारी स्वास्थ्य विभाग को दे दी गई। सोमवार को स्वास्थ्य विभाग की टीम ने अस्पताल पर कार्यवाही करते हुए उसे सील लगा दी। महिला को उसका बच्चे अभी तक नहीं मिला है। डर की वजह से पुलिस को भी शिकायत नहीं की गई है। जानकारी पर सोमवार को स्वास्थ्य विभाग की टीम ने अस्पताल पर सील लगा दी है। नवजात का अभी तक कोई पता नहीं चल सका है। मामला संदिग्ध।